पत्रिका की जनगणमन यात्रा अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर के बाद अपने अगले पड़ाव सिरोही जिले में पहुंची, जहां पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का सामाजिक संगठनों और प्रबुद्ध नागरिकों ने स्वागत किया। कोठारी से मुलाकात में राजनीतिक प्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने खुलकर मन की बात की। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियों में इस बार नए चेहरे बड़ी संख्या में टिकट की दावेदारी करने के लिए सामने आ रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक कोठारी की जन गण मन यात्रा में हर जगह इस तरह के चेहरे सामने आ रहे हैं। वे बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी पार्टियों के सामने उम्मीदवारी कर दावा ठोक रहे हैं। अपनी यात्रा के तीसरे दिन गुरुवार को कोठारी ने उदयपुर, सिरोही और पाली जिले में राजनेताओं की तैयारियों का आकलन किया और जनमानस की नब्ज टटोली। अनेक स्थानों पर उनसे मिलने आए लोगों में बड़ी संख्या में ऐसे युवा कार्यकर्ता भी थे जो अपनी ही पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे। सभी जगह वे दृढ़ता से इस बात पर जोर दे रहे थे कि टिकट वितरण बड़े नेताओं की मर्जी से नहीं बल्कि प्रत्याशी की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। भीलवाड़ा से यात्रा शुरू करने के बाद उदयपुर होते हुए सिरोही जिले के पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर कोठारी का स्वागत किया गया। इसके बाद वे सिरोही जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री के सलाहकार और सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, रेवदर विधायक जगसी राम कोली, जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, पूर्व जिला प्रमुख पायल परसराम पुरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी, पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी, गांधी विभाग संयोजक और पीसीसी सदस्य राजेंद्र सांखला, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष हेमलता शर्मा समेत जनप्रतिनिधियों और भाजपा कांग्रेस पदाधिकारियों ने कोठारी का स्वागत किया। इस दौरान प्रधान संपादक कोठारी ने एक एक कर सभी से चर्चा कर जनप्रतिनिधियों से आगामी विधानसभा चुनाव, प्रदेश और क्षेत्र के राजनीतिक माहौल के साथ ही जिले के प्रमुख मुद्दों और समस्याओं को लेकर लोगों से फीडबैक लिया। दोनों पार्टी के नेताओं ने पुरजोर तरीके से बात रखी। पाली में आयोजित कार्यक्रम में पाली सांसद पीपी चौधरी, विधायक ज्ञानचंद पारख, बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशवीर सिंह जोजावर, नगर परिषद सभापति रेखा भाटी, पूर्व सांसद पुष्प जैन ने पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी से मुलाकात कर वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। मैं रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व सांसद उदयपुर। आज आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे एक तरह से गार्जियन है वो, मैं ये महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी एमएलए हुआ करते थे।